माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आपको पता है कि अभी उदयपुर का हमारा दूसरा दिन है, अभी मॉर्निंग की 10 बज चुकी है, अभी मैं उठाऊ। नाइट को भी काफी ज्यादा लेट सोए थे हम, ऐसे फोटो इधर से उधर ले रहे थे जितने में टाइम बहुत ज्यादा निकल गया, 3 बज चुकी थी और काफी लेट सोए। एंड ये अपना भाई है अपने साथ में, ये काफी जल्दी उठ गया था, 8 बजे उठ गया था एंड मैं काफी ज्यादा लेट उठा। जो भी है अभी काफी ज्यादा नींद आ रही है और चाय पिए बिना सुबह की शुरुआत नहीं होती है। सबसे पहले मैं चाय पीता हूँ और तो गाइस फटाफट अपन नाश्ता कर लेते हैं। अभी हम बिल्कुल फाइनली रेडी हो चुके हैं बाहर जाने के लिए। एंड भाई ये अभी तैयार हो रहा है, इस हिसाब से थोड़ी देर बैठे हैं एंड फिर फटाफट चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं उदयपुर का सीन। काफी ज्यादा मजा आने वाला है और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ घूमने के लिए। तो आज गाइस सिर्फ अपन घूमेंगे, बेस्ट बेस्ट पैलेस है उनको मैं दिखाऊंगा वीडियोज में, तो वीडियो स्किप मत करना। फाइनली 11:30 हो चुके हैं एंड अभी हम फटाफट निकलेंगे। भाई सेंट बहुत ज्यादा लगाया भाई, कौन सा लगाया, फोर्स का लगाया क्या? मजा लेते हैं उदयपुर की खूबसूरती का, तो भाई देखते हैं चलते हैं अपन रूम से बाहर, क्योंकि रूम का हमारा टाइम जो कि खत्म हो चुका है। विजिट करते हैं बेस्ट पैलेस इन उदयपुर, तो काफी मजा आएगा देखने में, आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं देखते हैं। हम अपने रूम से बाहर निकल चुके हैं होटल अंबे पैलेस की तरफ से, ये पूरा विजिट कराने के लिए। मतलब काफी अच्छे अच्छे पैलेस है, इनमें से हमने चूज किया है पहले सिटी पैलेस। सिटी पैलेस जा रहे हैं तो ऑटो करता है कि सिटी पैलेस पहुंचते पहले, फिर बाद में कोई दूसरा पैलेस देखते हैं कि बेस्ट बेस्ट जगह जाएंगे जो ज्यादा बेस्ट है और अपने को अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। तो मिलते हैं, ठीक है। तो अंकल को जमा नहीं, अंकल कुछ ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, तो गाइज नेक्स्ट ऑटो देखते हैं। ओके सो गाइज सिटी पैलेस के लिए हमें ऑटो मिली है और 2 किलोमीटर है यहाँ से, 2-3 ऑटो वालों के बाद में ये तीसरा ऑटो अपने को मिला है। देख सकते हो इसका अराउंड एंट्री फीस इसकी 300 रुपए पर बंदे की एंट्री फीस है। तो इंटर कर चुके हैं, ये सिटी पैलेस को पूरा गाइड करेंगे, टाइम भी कम है तो फटाफट चलते हैं। Midnight and city lights on the other side, you calling me. भाई स्टार्टिंग होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो शॉप वगैरह भी है अंदर, काफी अच्छा फॉन्ट की तरह लग रहा है, एकदम लंबा और बेहतरीन पैलेस है। ओ भाई आ जाओ, तो भाई आ जाओ, अपने को पूरा विजिट करना है और अपने को बाहर भी चलना है। तो पीछे लोगों को गाइड कर रहे हैं, हमको भी बोला लेकिन गाइड का किराया तो आपको पता है काफी कॉस्टली पड़ता है, इसलिए हमने नहीं किया, हम खुद ही घूम रहे हैं। जैसे कि आपने देखा काफी सेफ्टी के साथ सैनिटाइज किया और यहाँ से स्टार्टिंग है, जैसे कि आप देख सकते हो काफी अच्छा लग रहा है, तो ये ऊंचा है तो चलते अपन। तो ये महाराणा प्रताप कक्ष है और इनमें इनके वो तीर वगैरह पड़े हैं, ये सेकंड राउंड है और सारे प्रकार की मतलब लोहे के सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट इस तरफ। कृपया अपना सर नीचे करके जाए डूड, पेंटिंग काफी अच्छी, काफी पतली गली, देख सकते हो कितनी छोटी सी खिड़की है, अपन वहां थे अभी थोड़ा सा ऊपर आए हैं, आ जाओ
चलते अपन आगे और। अभी तो स्टार्टिंग हुई है इस सिटी पैलेस की। भैया बोल रहे हैं कि मास्क लगाओ। इतनी खूबसूरत जगह जिसकी कोई हद नहीं है। आपको इधर का व्यू दिखाऊंगा तो आप खुद बोलोगे कि हाँ चीज है। सो गाइस नॉर्मल उदयपुर दिख रहा है अपने को और काफी हवा चल रही है। हमने यहाँ पे शूट किया है सर, नीचे करके फिर जाना पड़ता है तो अपनी तो हाइट इतनी है नहीं है। चलते अपन नीचे, सीधे जा रहे अंकल रास्ता। ये जगह जगह भी सिक्योरिटी है। डूड 1899 ईस्वी की फोटो है और जैसा कि तुम देख रहे हो सारी तरफ तस्वीरें बेहतरीन तस्वीरें अंकल ने हमको बताई है। ये बिल्कुल यूनिक चीज़ है, मतलब शायद आपको समझ में आ रहा होगा किस चीज़ की तस्वीर अंकल ये नहीं ये कौन सा महाराणा प्रताप की है या सभी राजा है सभी अलग अलग बाहर की चीजें होती है सारी अलग चीज है। अंकल गाइड कर रहे हैं। हाँ जी सारी तस्वीरें ऐसी है इसके अंदर, उसको देखते हैं गाइस। देख सकते हैं ये भी एक एक चीज। वाओ हमारी करने पर जो बोर्ड से बोलने पर होता है ये सिंपल दिखता है लेकिन हाँ। वो बीच में जो आपको होटल्स दिख रही है पानी के बीच में है, ऊंची हाइट पे पहुंच चुके हैं नॉर्मल हाइट पे। काफ़ी अच्छी है जगह और ये देख सकते हो आप तो इस तरफ तस्वीरें वगैरह। तकरीबन हमारे को आधा घंटा तो हो ही गया है। हमने वहां से स्टार्टिंग किया था, वो देखो वो रहे गेट की नॉर्मल हाइट लग रही है मेरे को इतनी। पूरा उदयपुर अपने को दिख रहा है एंड हवा की तो बोलो ही मत। सेफ्टी लगा रखी है, ये देखो भी बड़ा है जो आपको सामने दिख रहा है तो शायद रेस्टोरेंट है। तो बढ़ते आगे अपन। सो डूड भी यूनिक पैलेस है। ओके तो पतली पतली गलियों की जो खूबसूरती है वो मुझे काफी बेहतरीन लगी। अलग तरह से इनका निर्माण किया है। Silence speaks so loud. Okay, तो वापिस ये छोटी छोटी गलियां ऐसे से देखते जाओ। मेरे हिसाब से मैं इसको पूरा विजिट शायद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये काफी बड़ा लग रहा है मेरे को। इसकी सबसे खास बात मेरे को ये लगी कि कैमरा अलाउ था, इसमें लिखा हुआ कि महाराणा प्रताप भुगाल सिंह का वजन करने का काटा है। इधर जो खिड़की वगैरह है इसमें पूरा घूम लिया अपन ने, ऊपर से नीचे आए हैं। वाई टू नेक्स्ट। खाना वाना पकाने के लिए इसकी साइज देखो बढ़ेगी, इससे बड़ी साइज मैंने कभी देखी नहीं है। भारतीय रसोई में उपयोग आने वाला बर्तन है ये, साइज लिखा हुआ है यहाँ पर। बढ़ते आगे की ओर। और लाइट ये पुराने जमाने के चूल्हे वगैरह, चम्मच पड़ा है जैसे कि आपको देख रहा हूँ, मटकी पड़ी है, गिलास वगैरह आप यही है। अभी आगे बढ़ता है नेक्स्ट। देख सकते हो आप पलंग है, पंखा लगा हुआ है, टेबल लगी हुई है, तस्वीरें हैं इनकी, बहुत पुरानी सदी के हैं ये। इजी तरह से हम खुद को ही गाइड कर रहे हैं खुद। आगे आ जाना भाई, तो चलता आगे। रास्ता मालूम नहीं पड़ रहा है सब। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा हुआ चारों तरफ, वापिस नेक्स्ट। यहाँ पे टीवी चल रही है, इनको काफी बेहतरीन सिनेमेटिक में दिखाया जा रहा है, काफी अच्छी बीट है। मैं आपको है ना मेन खास खास चीजें दिखा रहा हूँ, जितनी कोशिश हो रही है मैं आपको दिखा रहा हूँ। करीबन करीबन ऐसा लग रहा है कि बाहर का रास्ता
दिख रहा है हमारे को। यहाँ पे भी काफी ओल्ड तस्वीर है, सारी तस्वीर इसी किले की है और ये काफी ओल्ड तस्वीर लग रही है इस किले की। ये जो आपको तस्वीर दिख रही है ये काफी ओल्ड है और अपन यहाँ से इंटर हुए थे। बढ़ते हैं आगे, फटाफट फटाफट एक्सप्लोर करना है, दूसरी जगह भी जाना है, लेट हो जाएंगे। नीचे को और बढ़ रहे हैं फटाफट। ओके देखते हैं नीचे कुछ दिखता है। देख सकते हो आप सामने महाराणा प्रताप की काफी बड़ी मूर्ति लगी है और ये मेरे को लग रहा है कि हम नीचे वापस आ चुके हैं। काफी प्रकार के रथ हैं यहाँ पे, ताम झाम कहा जाता है इन सारी पालकियों को। देख सकते हो ये इधर से उधर काम में ली जाने वाली पालकियां हैं। राइट साइड में देख सकते हो महाराणा प्रताप जी की मूर्ति है यहाँ पे। ताम झाम पालकियां काफी खूबसूरत लगी मेरे को। हम उस साइड से अंदर इंटर करे थे और अभी लास्ट गेट यहाँ से उतर गए हैं। हमने यहाँ पे शूट किया, फोटो शूट वगैरह किया एंड काफी अच्छा लगा यहाँ से। तो अपन निकलते हैं अपन बाहर। इससे ये गेट आ गया, एक बड़ा सा गेट है ये वापस, ये देखो और ये आप देख सकते हो। ये अपन इस गेट से वापस निकल चुके हैं, आपको दिखाया क्या क्या चीजें थी इनके अंदर सारी। निकलते अपन बाहर, ये मेन गेट है। ओके तो काफी अच्छा लगा यहाँ पे। फाइनली गाइस सिटी पैलेस मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। तो नेक्स्ट प्लेस देखते हैं कि जो बेस्ट होगी वहां पर ही जाएंगे, पिचोला लेक चलेंगे अपन। ऑटो मिल गया पिचोला लेक के लिए, 80 रुपए बताए अंकल ने पिचोला लेक के, 80 रुपए ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी पैसे भैया। ओके तो पहुंच रहे अपन पिचोला लेक। पिचोला लेक पहुंच चुके हैं, यहाँ का व्यू काफी पसंद आएगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लेट्स सी। तो यह है पिचोला लेक और काफी ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से व्यू एंड काफी बॉम है। शूट करते हैं नीचे जाके। पिचोला लेक का व्यू आपके सामने है, बेहतरीन दिख रहा है यहाँ से। सो बोट वगैरह चल रही है, होटल वगैरह और सामने हम जाके आए वही। तो कितना बेहतरीन व्यू है एंड अपना भाई अपनी वीडियो शूट कर रहा है जो ठंडी ठंडी हवाओं के साथ में। ताना कैसा लग रहा है? एक नंबर। इस साइड से देखो एक बोटिंग वगैरह भी चल रही है। सो सिटी पैलेस उसके जस्ट पीछे ही बेहतरीन पैलेस है पिचोला लेक एंड खाना वगैरह खाना है तो सामने एक होटल भी है। खूबसूरती तो इसकी मैं बता नहीं सकता, आप खुद देख सकते हो कि कितना खूबसूरत पैलेस है ये पिचोला। फोटोग्राफर की तो लाइन लग गई है यहाँ पे, इतने शूटर आते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और घर की तरफ निकलना है। तो यही था पिचोला लेक जो आपको दिखाया मैंने, 10-1 घंटा यहाँ पे बिताया हमने, फिर लेट हो रहा है आज घर पर निकलना। सो पहुंच चुके हैं, टाइम 6 बज चुकी है। अगले व्लॉग में आपने देखा होगा कि टीम सीको 91 से हमने शूट किया था लेकिन शूट प्रॉपरली हुआ नहीं था। देखते अगर वो मिल जाते हैं तो उनके साथ एक दो वीडियो शूट करते हैं, वरना फिर हमको घर की तरफ निकलना। आपने व्लॉग में देखा होगा
ये दूध तलाई है, पूरा इलाका दूध तलाई का ही है। काफ़ी जगह है लेकिन घूम नहीं पाया। इस बस से हमारी 7:30 बजे फटाफट से हमको निकलना है ब्यावर की तरफ। लेट्स सी। अभी हम वहाँ पे जाके आ चुके हैं। हम खड़े हैं उदयपुर में जस्ट दूध तलाई के जस्ट पास में। मैंने आपको दिखाया उनके बिहाइंड द सीन। आज के लिए इतना ही गाइस, एंड मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में। तो व्लॉग अपन दूध तलाई पे ख़त्म कर रहे हैं। जो आप पीछे देख रहे हो यही दूध तलाई एरिया है। और प्लीज़ अगर कोई भाई से मिलना चाहता है तो प्लीज़ मुझे बताना, मुझे मैसेज करना, मैं आपको पूरा एड्रेस बता दूंगा कैसे जाना है कैसे नहीं जाना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग। सॉरी।